नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलोत पॉल और आप देख रहे हैं टेक इजी हिंदी। दोस्तों आज हम देखेंगे कैसे एरर फ्री विंडोज 11 बूटेबल यूएसबी ड्राइव बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी ओल्ड कंप्यूटर के ऊपर, मतलब 2-3 साल पुराना कंप्यूटर का ऊपर विंडोज 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप एरर मैसेज देखा ही होगा जहाँ पे सिक्योर बूट और टीपीएम 2.0 एरर मैसेज दिखाई देगा। और किसी किसी कंप्यूटर का ऊपर सिर्फ सिक्योर बूट और टीपीएम 2.0 किसी एक एरर मैसेज दिखाई देगा और विंडोज 11 इंस्टॉलेशन आगे नहीं जाएगा। तो उस तरह एरर मैसेज को आप आसानी से सॉल्व करके कैसे एरर फ्री विंडोज 11 का बूटेबल यूएसबी ड्राइव बना सकते वो आज मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा इस फोल्डर का ऊपर जहाँ पे विंडोज 11 लिखा हुआ है उसका अंदर ये एक विंडोज 11 का ISO फाइल मेरे पास मौजूद है और यहाँ पे एक DLL फाइल है और एक रूफास की एप्लीकेशन फाइल है। इस रूफास की हेल्प से हम बूटेबल USB ड्राइव बनाएंगे और ये एक रूफास का एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई विंडोज 11 का डाउनलोड का प्रोसेस नहीं बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आप किसी जुगाड़ लगा के इस विंडोज 11 को आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। ये appressors.dll फाइल और ये रूफास, ये दो फाइल गूगल में अवेलेबल है। विंडोज 11 को एरर फ्री बनाने के लिए सबसे ज़्यादा काम होगा ये appressors.dll फाइल का, इसको ज़रूरत होगा ही होगा। इस DLL फाइल के बिना आप एरर फ्री USB ड्राइव बना नहीं सकते। तो चलिए पूरी प्रोसेस देखते हैं, मैं फिर से एक बार दिखा रहा। देखिए ये विंडोज 11 का जो फोल्डर है इसका अंदर विंडोज 11 का ISO फाइल और appressors.dll फाइल और रूफास का फाइल मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। मैं इस कंप्यूटर के ऊपर 16GB का एक USB ड्राइव अटैच करके रखा हूँ। फिलहाल ये 14.8GB स्पेस दिखाई दे रहा है। विंडोज 11 का बूटेबल USB ड्राइव बनाने के लिए कम से कम 8GB का पेन ड्राइव आपको रखना चाहिए। इस रूफास फाइल का ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यस का ऊपर क्लिक करता हूँ। आपको शायद यस का विंडो नहीं दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे नो लेवल 16GB का पेन ड्राइव है, उसी का नेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं फिर से एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे ये USB ड्राइव H असाइन हुआ है, यहाँ पे भी H असाइन हुआ है। ये 16GB का USB ड्राइव है। यहाँ पे बूट सिलेक्शन, यहाँ पे मैं डिक्स ISO इमेज करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट का ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं उसी डेस्कटॉप का अंदर विंडोज 11 का जो फोल्डर है उसका अंदर विंडोज 11 का ISO फाइल को सिलेक्ट करके ओपन का ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पार्टीशन देखिए, यहाँ पे जो डिफॉल्ट हुआ है वही मैं रखता हूँ GPT और टारगेट सिस्टम UEFI ऐसे ही रखता हूँ। और यहाँ पे वॉल्यूम लेवल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ विंडोज 11 और इस यहाँ पे स्टार्ट का ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ वार्निंग मैसेज दिखाई दे रहा है, ऑल डेटा ऑन डिवाइस जिसका नेम दिखाई दे रहा है विल बी डिस्ट्रॉयड, टू कंटिन्यू विद दिस ऑपरेशन क्लिक ओके, टू क्विट क्लिक कैंसिल। अगर आपका USB ड्राइव के ऊपर कोई डेटा है वो सारी डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए ये मैसेज दिखाई दे रहा है। फिलहाल मेरा USB के अंदर कोई डेटा नहीं है तो ओके का ऊपर क्लिक करता हूँ। ख्याल रखना पड़ेगा आपका USB ड्राइव के अंदर अगर कोई डेटा है उस डेटा को आप बैकअप कर लीजिए, क्योंकि USB ड्राइव पूरी तरह फॉर्मेट हो जाएगा और आपका डेटा भी डिलीट हो जाएगा। ISO फाइल यहाँ पे कॉपी होगा, तो इस प्रोसेस कंप्लीट होने तक वेट करता हूँ और इसको होने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे बूटेबल USB ड्राइव लगभग तैयार होने ही वाला है, 99% कंप्लीट हो गया है और थोड़ी प्रोसेस बाकी है। और यहाँ पे देखिए रेडी मैसेज आ गए हैं, मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं और मेरा बूटेबल USB ड्राइव तैयार हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये बूटेबल USB ड्राइव, जैसे यहाँ पे देखिए विंडोज 11 का जो बूटेबल ड्राइव तैयार हुआ है, अगर इसको अभी किसी भी कंप्यूटर के ऊपर विंडोज 11 इंस्टॉल करना चाहूँगा, शायद ये विंडोज 11 इंस्टॉल हो और उस कंप्यूटर का ऊपर TPM 2.0 और विंडोज सिक्योर बूट ये मैसेज आएगा ही, तो उस मैसेज को बाईपास करने के लिए आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा जो अभी मैं दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे विंडोज 11 का जो बूटेबल USB ड्राइव तैयार हुआ है उसको मैंने ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह आपको कुछ फोल्डर और फाइल दिखाई देगा।
और यहाँ पे देखिए बूट EFI सोर्सेस सपोर्ट, इस तरह फाइल उस USB ड्राइव के अंदर आपको भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने सोर्सेस जो फोल्डर है उसी फोल्डर को यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद फिर से मैं विंडोज 11 का जो डेस्कटॉप का ऊपर फोल्डर था उसी फोल्डर के अंदर आया हूँ, और वहाँ पे एक DLL फाइल आपको मालूम होगा, एक DLL फाइल का नेम मैंने बोला था, नीचे भी आप देख सकते हैं वो DLL फाइल का नेम आपको दिखाई देगा, और डिस्क्रिप्शन का अंदर भी आपको इस DLL फाइल का डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। उस DLL फाइल को यहाँ पे मैंने करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको उस DLL फाइल को यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। आपको श्योर होना पड़ेगा विंडोज 11 का जो बूटेबल USB ड्राइव है उसका अंदर सोर्सेस का जो फोल्डर है उसी फोल्डर का अंदर उसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये रिप्लेस फाइल इन द डेस्टिनेशन, इस तरह आपको मैसेज दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से उस तरह एक फाइल मौजूद है और उसी फाइल को इस फाइल के द्वारा मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रिप्लेस का ऊपर क्लिक करता हूँ, और देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों ये नया फाइल उस ओल्डर फाइल को रिप्लेस कर देगा। उसके बाद इसको मैंने करता हूँ क्लोज, और बाकी सब विंडो को करता हूँ क्लोज, और आपका विंडोज 11 बूटेबल USB ड्राइव सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा एकदम एरर फ्री। और उसी बूटेबल USB ड्राइव को आप किसी भी ओल्डर कंप्यूटर का ऊपर आसानी से विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी एरर मैसेज नहीं दिखाई देगा, ये मेरा 100% गारंटी है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह और भी मुलाकात होगा और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।